In the name of the Allah, who is the most beneficent and merciful, Assalamu alaikum. Shaheedon ki zameen hai ye jise Pakistan kehte hain. Shaheedon ki zameen hai ye jise Pakistan kehte hain. Ye banjar bhi ho to kabhi guzar paida nahi karti. Freedom shouldn't be something that you have to be deserved. Freedom is something that you just have naturally. Something that nobody can take away from you. So let's celebrate freedom. Happy Independence Day to all of you present here. And I would like to warmly say good evening to all of you here, my respected faculty and my dear colleagues. It's a profound privilege to welcome you all to the celebration of the Independence Day today. Myself, Suman, and I'm the finance officer of this AAA FM families. Today we commemorate the day of our beloved nation, unfurled the flag of its freedom, and embarked on a journey of self-determination and prosperity. As we all have gathered here, I would like you to remember the days of sacrifices that was made by our forefathers, and to celebrate the liberty that defines our nation. Before I begin with my event, we should always seek blessing from the Allah Almighty. So I would like to call here Mr. Salha Ahmad to come up and recite few verses of Quran. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है और तमाम जहानों का मालिक है और जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आज इस 14 अगस्त के कौमी दिन के ऊपर मेरी तरफ से पूरे अहले पाकिस्तान को AAA फैसिलिटी मैनेजमेंट के तमाम एम्प्लॉइज और इनकी फैमिलीज को बहुत बहुत जश्न-ए-आज़ादी मुबारक हो। आज का दिन हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत अहमियत का अमल है। आज के दिन पाकिस्तान जब 1947 में वजूद में आया था तो उसके कुछ ना कुछ मकासद थे जिसकी खातिर हमने हमारे आबा व अजदाद ने बेइंतहा कुर्बानियां दी जिसके लिए और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था वो मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाना है। बदकिस्मती से ये 77 साल गुजरने के बाद अभी तक हम अपने मकसद की तरफ गामजन हैं।
लेकिन अभी तक हम ना तो इसको इस्लामी मुमलकत बना सके हैं, ना ही आज तक हम इसको एक जमहूरी मुल्क बना सके हैं। लेकिन अल्लाह से उम्मीद है और हमारी पूरी कौम जद्दोजहद कर रही है कि एक हकीकी आज़ादी कभी ना कभी हमें ज़रूर हासिल होगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तौर पर दुनिया के अंदर अपना किरदार अदा करेगा, मुसलमानों को लीड करेगा और दुनिया के अंदर एक अमन का गहवारा बनेगा। हम सब जिस जद्दोजहद से गुजर रहे हैं और हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके ऊपर जो अहम जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इस कौमी तरबियत की जरूरत है। उसके अंदर किसी हद तक कुर्बान है। 14 अगस्त हम सब के लिए खुशी का पैगाम लेकर आया है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वक्त दूर नहीं जब हम पाकिस्तान को एक हकीकी मानों में आजाद मुल्क के तौर पर और दुनिया में अपना सर फखर से बुलंद करेंगे कि हम एक आजाद जमहूरी मुल्क के बाशिंदे। आइए हम सब लोग मिलके आज जैसे आजादी को बेहतर अंदाज से मनाएं और वादा करें कि जो जिम्मेदारी हम पर है हम उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और पाकिस्तान की कामयाबी के लिए अपना अपना जो हक है उसको बेहतर ईमानदारी के साथ अदा करेंगे। पाकिस्तान पाइदाबाद।
Ceremony.